हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो में आज हम देखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट होता है एक कलेक्शन। कलेक्शन मतलब, कलेक्शन को आप एरे समझ सकते हैं, ठीक है। एरे का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन, ठीक है। जैसे आप अभी वेरिएबल बनाते हैं पाइथन में, तो एक वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर आपके पास 10 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं तो आपको 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। 20 वैल्यूज़ हैं तो 20 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। तो जितने जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने 3 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल बनाए, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएँ, तो उसके लिए पाइथन में कलेक्शन हम यूज़ करते हैं। कलेक्शन का काफ़ी सारे टाइप के कलेक्शन यहाँ पे होते हैं, जैसे लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट कलेक्शन का यूज़ करते हैं। अब कौन सा कलेक्शन हमें कब यूज़ करना है, मतलब लिस्ट यूज़ करना है या टपल यूज़ करना है या सेट यूज़ करना है या डिक्शनरी यूज़ करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। ये सारे जो अलग अलग तरीके के एरे होते हैं, जो कलेक्शन होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ लिस्ट की, तो लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है ना। ऑर्डर्ड मीन्स, जैसे मैं लिस्ट आपको बना के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। मैं एक फाइल यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। पाइथन 7 नाम दे दिया मैंने इसका, डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, नाम इसका मैंने रख दिया कलर्स लिस्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, मल्टीपल कलर्स के नाम स्टोर करना है। तो मैं अलग अलग वेरिएबल के अंदर ना स्टोर करते हुए, मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर पाऊँ। तो मैंने लिखा कलर्स लिस्ट, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर अब ये जो लिस्ट होता है उसमें आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हो, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए। और अब हम बात कर रहे थे कि लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैंने कुछ आइटम इंसर्ट कर दिए, रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ऑरेंज, ठीक है, मैंने 3 यहाँ पे कलर के नाम दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गया, और लिस्ट के अंदर हमने ये 3 वैल्यू, 3 स्ट्रिंग वैल्यू हमने असाइन कर दी। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोड और डबल कोड दोनों में ही रख सकते हैं। अब ये ऑर्डर्ड होता है, मतलब पहला जो आइटम है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा, ये इंडेक्स नंबर 1 पे और ये इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। तो आइटम्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। जो पहला आइटम होता है वो 0 इंडेक्स पे जाता है, दूसरा आइटम 1 इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है। चेंजेबल मतलब इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा कलर दिया हुआ है ग्रीन, अब मुझे ग्रीन की जगह ब्लू रखना है यहाँ पे, तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ प्रोग्राम में, ठीक है। कैसे हम करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। वो लिस्ट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लिस्ट में हम डुप्लीकेट मेंबर्स भी रख सकते हैं। मतलब ये जो ग्रीन है वो मैं मल्टीपल टाइम भी इसमें स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले तो इसको लिस्ट को प्रिंट करवाया। जैसे हम एक वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं उसी तरह हम लिस्ट वेरिएबल को भी प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर्स लिस्ट, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, ओपन कमांड विंडो हियर, और मैंने इसको रन किया पाइथन 7.py, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 आइटम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं आउटपुट में, रेड ग्रीन ऑरेंज, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है, उसमें ये 3 वैल्यू आपने लिस्ट के अंदर रखी थी। अब लिस्ट को आपने प्रिंट करवाया तो ये सारे आइटम एक साथ प्रिंट हो गए,
लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक आइटम को अगर प्रिंट करवाना है, ये तो सारे आइटम आ गए, अगर किसी स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे प्रिंट, और जो लिस्ट का नाम है वो आपने लिखा कलर्स लिस्ट, और साथ ही साथ ब्रैकेट लगा के आपने इंडेक्स नंबर बता दिया, जैसे मैंने लिखा 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इंडेक्स नंबर 0 पे रेड है और इंडेक्स नंबर 1 पे ग्रीन है, तो मैंने लिखा है कलर्स लिस्ट और इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर दिया 1, तो 1 पे ग्रीन है, तो ग्रीन आप देखोगे प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन आउटपुट में आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे रेड को प्रिंट करवाना है तो रेड कलर जो है 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 0। ठीक है, जो पहला आइटम होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रेड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने देखा ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, पहला आइटम 0 इंडेक्स पे, सेकंड आइटम 1 इंडेक्स पे, ठीक है, अप टू सो ऑन। और दूसरी बात हमने की, लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन असाइन किया है इंडेक्स नंबर 1 पे, उसमें मैं ब्लू असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा कलर्स लिस्ट 1, मतलब 1 इंडेक्स पे जो कलर है, अब वहाँ पे मैं असाइन करना चाहता हूँ ब्लू। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे ग्रीन है, अब वहाँ पे मैंने ब्लू असाइन कर दिया, तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, सारी लिस्ट में प्रिंट करवा देता हूँ पूरी। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया कलर्स लिस्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड ब्लू ऑरेंज प्रिंट हो गया। पहले जो इंडेक्स नंबर 1 था वहाँ पे ग्रीन कलर था, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, ब्लू कलर आ चुका है। ठीक है, तो मतलब ये चेंजेबल भी है, आप एक बार डिक्लेरेशन करते समय आपने जो आइटम उसमें इंसर्ट किए हैं उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लिस्ट के लिए, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लिया लिस्ट का, जिसका नाम होता है लेंथ, LEN आप लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे LEN लिखा, तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो कलर्स लिस्ट है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें 3 आइटम आपने इंसर्ट किए थे, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो लेंथ हमने पहला इनबिल्ट फंक्शन देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम फंक्शन यूज़ करते हैं अपेंड। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन से क्या होगा, आप कोई आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें अगर हमें कुछ नया आइटम इंसर्ट करना है तो अपेंड फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट फंक्शन भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अपेंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने पहले लिस्ट का नाम लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अपेंड फंक्शन को यूज़ कर लिया। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ किया, फंक्शन है तो ब्रैकेट्स आप लगाओगे, फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे कोई नया आइटम इंसर्ट करना है, तो मैंने उस आइटम का जो नाम है, जो स्ट्रिंग अगर मुझे इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये येल्लो लिखा, तो अपेंड फंक्शन से जो डेटा इंसर्ट होता है, जो आइटम आप इंसर्ट करते हैं वो लास्ट में इंसर्ट होता है। ठीक है, अपेंड से हमेशा जो आइटम आप इंसर्ट करेंगे वो लास्ट में इंसर्ट होगा, तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में हमने ऑरेंज इंसर्ट किया हुआ है, तो ऑरेंज के बाद आप देखेंगे येलो आ जाएगा। तो इसको मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, तो आप देखेंगे ऑरेंज के बाद यहाँ पे येलो आ गया।
ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं अपेंड के अलावा आप इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए भी आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस क्या है? इंसर्ट फंक्शन से आप क्या करते हैं, किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई नया कलर इंसर्ट करना है, मैंने कलर का यहाँ पे नाम दे दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दी और मैंने इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर दिया, मैंने लिखा 1, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे आप देखोगे पर्पल कलर इंसर्ट हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, पहले इंडेक्स नंबर 1 पे जो आप कलर देख रहे हैं वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये जो इंसर्ट फंक्शन से हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ये पहले वाले आइटम को डिलीट नहीं करेगा, वो उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, वन इंडेक्स पे सॉरी ब्लू आ चुका था, तो अब ब्लू से पहले आप देखोगे वन इंडेक्स पे पर्पल आ जाएगा और ब्लू चले जाएगा टू इंडेक्स पे, फिर जो आगे वाले आइटम्स हैं वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पर्पल इंसर्ट हो चुका है इंडेक्स नंबर 1 पे, पहले यहाँ पे ब्लू था, अब ब्लू जो है आगे शिफ्ट हो गया इंडेक्स नंबर 2 पे, जो इंडेक्स नंबर 2 पे था वो 3 पे चले गया, एंड अप टू सो ऑन सब शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इंसर्ट से आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये तो इंसर्ट करने के लिए फंक्शन थे, उसके बाद हम डिलीशन भी कर सकते हैं। तो डिलीशन करने के लिए कौन कौन से फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और भी कुछ फंक्शंस हम देखेंगे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।